Ali Saji, here in Standard College. First of all, I would like to introduce you to this personality, Dr. Ali Saji. He is my teacher. PhD in 1992 from Washington, D.C. He has worked in World Bank for several years. Founding chair of business school in NUST, business school in UET, another institute, CASE, in Islamabad, and now in University of Lahore. He has started a department, the Lahore School of Professional Studies. A great motivational speaker, Dr. Ali Saajid. Ek soch ka naam hai, ek tabdili ka naam hai, and alhamdulillah, I am proud, proud of that ke main inka student hoon. So, aapko mujhe intezaar nahi karwata, aur I would like to welcome my teacher, Dr. Ali Saajid here, please. Big hands for sir. Thank you, ji. Assalamu alaikum, everybody. It's my pleasure, it's my privilege and honor to come here. I was raised in this area a couple of decades ago. Main law pind iska yahan pe army public school mein padha bhi hu jo kent mein tha. Fir main lahore chala gaya aur fir lahore ka hokar reh gaya. Abhi main kai 10-20 saalon baad islam yahan pe aaya hu sialkot mein. Mere father bhi yahan session judge ek zamane mein rahe the 80s mein. तो मैं उस वक्त भी आता था यहाँ पे और आज आने का मकसद है मैं आपके साथ आधा पौना घंटा कुछ अपने मुंतशिर ख्यालात शेयर करूँ. हर इंसान दुनिया में तरक्की करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि सक्सेसफुल हो, लेकिन हर इंसान होता नहीं है. और चंद एक लोग होते हैं, हमारा ख्याल होता है कि वो कोर कमांडर के बेटे या बेटियाँ हैं या नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं या जरदारी का अच्छा क्लास फेलो है तो इसलिए तरक्की कर गया. ये हमें गलत फहमी है. मैं अभी आज कोशिश करूंगा मैं इस गलत फहमी का अजाला करूं कि तरक्की के लिए रिश्तेदारियां, दोस्तियां, ताल्लुकात हो सकता है एक फैक्टर हो डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान, लेकिन कोर इशू तरक्की के लिए बड़ी सोच है. और सोच को जब आप एक नए गामजन नई उस पर इस्तवार करते हैं, नई जहत पे, तो नए नए बाब रकम होते हैं, नए नए दुनिया दरियाफ्त होती है और नए नए आप हिस्ट्री के चैप्टर्स लिखते हैं. उस वक्त जब सोच को नए अंदाज से नई जहत पे और नई रिफतों पे मतमक्कन करें तो मौजे होने लग जाते हैं सोचों के साथ. और सोच के साथ मौजे कैसे होते हैं मैं थोड़ा सा स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा. ये अजीब गरीब से जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला के नाम से और फेमस स्टेटमेंट से. मैं हमेशा याद स्टार्ट करता हूँ कि डोंट क्रॉस द डार्कनेस लाइट ए कैंडल. अंधेरों को मतूना ठहराएं, रोशनियां फैलाएं. इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड द लाइट. रोशनी फैलाना अंबिया का काम है, अंधेरे ख़त्म करना वलियों का काम है. और हम अपनी नचीज़ कैपेसिटी पे इस अजीम काम को अपनी लिमिटेड कैपेसिटी पे अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं. मकसद क्या है कि अंधेरों को ख़त्म करें, उनको खाली मतूना ठहराएँ. ये फेमस शेर है अहमद फराज का कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते हैं. जो शख्स अपनी बसात से बढ़ के शमा जलाने की कोशिश करता है जिससे सोसाइटी के अंधेरे कम हो, तो नेचर उस पर सदके बारी होकर कुदरत उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती है. हम उस देने की कोशिश का नाम रहमत और बरकत हमारे कीदे के मुताबिक है. रहमत और बरकत ये उनको मिलती है जो सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा करते हैं. उजाले कम नहीं होते ज़मीं वालों से ये कहकर तुलू होता है हर सूरज. उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते. मैं कोशिश करूँगा ये सारी स्लाइड्स आपको दूँ. ये मैंने बड़ी सालों के बाद ये तैयार की है और ये किसी एक किताब या किसी बुक से नहीं मिली. ये मैंने अपने मुंतशिर ख्याल तो इकट्ठा किया और आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. जिन्होंने फादर ऑफ द नेशन ने अपनी स्पीच में कहा था कि उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी, मेरे हमतलों के लिए ही मेरा प्याम है. तो आपका काम ये है कि उम्मीदें फैलाएं और लोगों को हिम्मतें जवान रखें और ख़ुद एतमादी के सबक देते रहें और ख़ुद भी खुद एतमादी गेन करें. अल्लामा इकबाल कहते हैं ख़ुद भी आश्कार हो, मुझको भी आश्कार कर. तो खुद आश्कार आए कि ये इस अमल से बाज़ लोग 10-20 साल पहले निकल जाते पहुँच जाते हैं, बाज़ लेट आते हैं, लेकिन खुद आश्कार आई यानी अपनी खुद शनासी के अमल से. ये बड़ा मुश्किल है अपने आप को समझना. अरस्तू की स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ा दाना वो है जो कि अपने आप को समझ गया. तो अपने आप को समझना बड़ा मुश्किल है और हर शख्स के पास बेपनाह पोटेंशियल है
वो पोटेंशियल अल्लाह ने यहाँ दिया हुआ है दिमाग की सूरत में या यहाँ दिया हुआ है हौसले की सूरत में। अच्छा, दिमाग तो नेचर करोड़ों में से एक को न्यूटन बनाती है, करोड़ों में से एक को आइंस्टाइन बनाती है, लेकिन ये करोड़ों को दे देती है हौसला बराबर का। अब ये हमारा काम है कि अपनी उस हौसला मंदी को कैसे इस्तेमाल करें, अपनी ज़ात को, सोसाइटी को और माशरे को कैसे पे बैक करें और उसको, उसके अंधेरों को कैसे मुनव्वर करें अपनी पॉजिटिव सोचों से। तो शोला बनना आसान है, चिराग बनना मुश्किल। शोला क्या होता है? आग लगाता है, और चिराग क्या? रोशनी फैलाते हैं अंधेरे में। हम टाइम चूंकि कम है इसलिए हम तेज से चलेंगे। वन पर्सन डज गुड डीड व्हेन ही और शी डिड नॉट हैव टू, गॉड लुक्स डाउन एंड स्माइल्स एंड सेज फॉर दिस मोमेंट अलोन इट वाज वर्थ क्रिएटिंग वर्ल्ड। इस मौके के लिए दुनिया बनाई थी। जब कोई शख्स बेगर्जी से और बेलौसी से किसी गरीब की मुसीबत ज़्यादा की मदद करता है, इसलिए नहीं कि उसका फ़ायदा हो, इसलिए कि उसका अल्लाह ताला को हुक्म है कि कमज़ोरों को उठाओ। कहता है अल्लाह ताला ज़मीन पे देखता है, कहता है कि इसलिए इस वक्त के लिए दुनिया मैंने बनाई थी। मौलाना हाली ने इसी बात को एक नए पैराए में कहा। उनका पानीपत में पैदा हुए थे, लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के वास्ते कुछ कम ना थे करोड़ रुपये। अब आप जब सुबह चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, चहचहा नहीं हो रही होती, वो अल्लाह की हम तो सुना कर रही होती हैं, खुदा ताला की अप्रिसिएशन दे रही होती हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुतहरिक है अल्लाह ताला की हम्द सना में। तो क्या हम सिर्फ हम्द सना करके जान छुड़ा लेंगे? हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, किसी मकसद के लिए भेजा है, और हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमारे पास ये चीज़ दे दी है जो किसी और के पास नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े डायनोसार्स जिनका वज़न 50,000 टन था, 2,000 टन था, वो मर गए, उनके पास दिमाग छोटे थे। हम कमज़ोर हैं इंसान, लेकिन दिमाग अल्लाह ताला ने देके अपना दुनिया में खलीफा और नायब बना के भेज दिया। तो हमारा मकसद क्या है? महज आमदन नशिस्तन बरखास्तन आए, खाया पिया, शादियां, बच्चे मर गए, उसके बाद प्लॉट बना के, मकान बना के, डिग्रियाँ लेके, या कोई और भी मकसद है? आज उस मकसद को भी देखते हैं नई लाइफ के लिए, और पुरानी लाइफ को हम खुदाफिज़ करने की कोशिश करते हैं। सो मेरा थीसिस क्या है, मेरा मौजू क्या है? चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोचों को बदलें, अपनी दुनिया बदलती जाएगी। मैं यहाँ ड्रमा वाला चौक के ऊपर, एक घर है, मुझे अभी मैंने जाते हुए देखना है, मैं 20-30 साल बाद आया हूँ वहाँ पे। उस घर में आई वॉज रेज्ड इन क्लास 1 और 2। मेरे फादर के पास एक साइकिल थी, और पहले वो सरकारी वकील थे, बाद में जज हुए, और जब वो रिटायर्ड हुए तो उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे वैल्यू सिस्टम का। उन्होंने मुझे रेस किया, और स्टार्ट करते करते धक्का देते देते इखलाकी फिक्री और फिक्री इर्तका की नई मनाजिल का मुझे शऊर दिया। उस शऊर के बाद मैंने जब थोड़ा सा शऊर लिया तो मैंने फैलाने की कोशिश की। जो मोहसिन ने बताया 3-4 यूनिवर्सिटियाँ ज़ीरो से स्टार्ट करना, उस शऊर का हिस्सा है। मेरे लिए बड़ा आसान था, अमेरिका से PhD आ गई है, सारी उम्र टांगें स्ट्रेच करके सोफे पर बैठा रहूँ और लोगों को डराता रहूँ, दौड़ जाओ मैं फेल कर दूँगा। वो बड़ा आसान मॉडल था, मैंने मुश्किल मॉडल लिया, सोसाइटी में अंधेरे कम करने वाला मॉडल। सो चेंज योर थॉट एंड यू चेंज योर वर्ल्ड, इसी थीसिस पे बात करते हैं। आपका जहन जो डब्बा है उसका नाम जहन है, ये डब्बा बैरूनी अवामिल से मुतासर होता है। तो मेरी सोच जो उस डब्बे के अंदर एक फिल्म की तरह चलती है, रील की तरह चलती है, माइक्रो प्रोसेसर की तरह चलती है, माइक्रो प्रोसेसर की लॉजिकल आउटकम का नाम है सोच, और माइक्रो प्रोसेसर जिस डब्बे के अंदर चलता है उसका नाम है माइंड। माइंड को पॉजिटिवली या नेगेटिवली पल्यूट करता है आपका एनवायरनमेंट। अगर आप समझ गए तो मैं आगे चलूँ। तो आप सियालकोट के, मैं भी सियालकोट की इसी जगह, अब इनसे मैंने पूछा था, कहते 1.5 किलोमीटर है ड्रमा वाला चौंक। अब मैं इसी मिट्टी से उठा, इसी खमीर से उठा, और 20-25 साल बाद मैं वर्ल्ड बैंक में काम करके प्रेजेंटेशन दे रहा था। 28 साल में मैं UN में चला गया, और 29 साल के बाद मैं 29 साल की उम्र में मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया। मैं लाहौर के एक स्कूल का पढ़ा हूँ जिनको पता है, उर्दू मीडियम स्कूल था, जहाँ मैट्रिक में इंग्लिश इतनी पढ़ाई जाती थी, असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये चार फिक्रे मुझे मैट्रिक में आते थे। मैंने अपने आप पर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट मैंने क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, वक्री टाइप की सोच के साथ, वक्री टाइप का बंदा। तो अगर आपकी सोच वक्री टाइप की है, वक्री टाइप के होंगे। सोच देसी है, रवायती है, तो आप रवायती होंगे कि खाना खा लिया, निहारी खा ली, फिर सो गए, फिर फिल्म देख ली, फिर सो गए वीकेंड पे, फिर मुर्ग चने खा लिया, फिर सो गए, और फिर रजाई ले ली, फिर रजाई उतार के लड़ने लग गए। रवायती सोच यही है ना। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उस रवायती सोच को नॉक करें। नॉक नॉक नॉक, हु इज दिस, माइंड पूछता है
जी मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद क्या करोगे? दिमाग ने पूछा। मैं आपकी मदद ये करना चाहूँ कि आपकी सोच को नई नहज पे इस्तवार करूँ, कि जब सोच बड़ी होती है तो बड़ी मंजिल होती है, जब सोच छोटी होती है तो छोटी सोची। और काउंसलर ने जवाब दे दिया। तो आज बड़ी सोच पे बात करेंगे। और मैंने एक कॉइन की है थ्योरी, मैंने उसको बकायदा उसका खालिक हूँ, कि फिक्र मजदूत और मंजिल महदूद। अगर मेरी सोच छोटी है, आपकी सोच छोटी है तो मंजिल महदूद होगी, सोच बड़ी है तो मंजिल बड़ी हो जाएगी। इसी फिलॉसफी को लेके आगे चलते हैं कि माइंड सोर्स ऑफ थिंकिंग, मेरा जो दिमाग है ये थिंकिंग का मंबा, मबदा, माखज और रिजन है। इसको आगे चलें, चलने काम नहीं कर रहा। सो माइंड इज सोर्स ऑफ थिंकिंग। हमारा माइंड जो है उसमें से सोचें निकलती हैं, सोचें जन्म लेती हैं। सोचों की 10-12 किस्में हैं। मैं सिर्फ 2-3 किस्मों की बात करूँगा। तमीरी सोच, तखरीबी सोच, सोच तजस्सुस वाली सोच और तहयूर वाली सोच। तजस्सुस क्या होता है? सस्पेंस की कैसे हुआ। तहयूर क्या होता है? क्यूरियोसिटी। और फिर तहरीरी सोच, मेरी सोच जिसको मैं सफ़े किरदार पे तब्दील करके कलाम इकबाल की सूरत में, कलाम गालिब की सूरत में, या अपनी सोच की किताब की सूरत में मुंतकिल कर दूँ, वो तहरीरी सोच है, तकरीरी सोच है। सोच जो मुझे कुव्वत मतखैला को बढ़ाती है, मेरी वो सोच। तो सोच की 10-12 किस्में हैं। मैं उनकी किस्मों की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स या 50 मिनट्स हैं। मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करूँगा अपना आइडिया। इस आइडिया को समझ जाते हैं तो आप सब इलामा इकबाल हैं, आप सब फातिमा जिन हैं, आप सब हेलन केलर हैं। जी आइए जनाब। तो मैं अभी जब यहाँ रहता था, जब मैं, मेरे फादर यहाँ जब जज थे, तो एक दिन मैंने किसी से बात की, इलामा इकबाल का घर देखने गया मैं। मुझे बड़ा तजस्सुस था, मुझको भी तजस्सुस है कि इकबाल को देखूँ, कि उसकी याद में बहुत आफिशानी को इकबाल का ऐसा शेर भी था। तो मैं इकबाल का घर देखने गया। घर मामूली सा घर था। उस मामूली शख्स, मामूली से घर में गैर मामूली शख्स कैसा पैदा हुआ? तो हर शख्स मामूली होता है, उसकी सोच उसको गैर मामूली बना देती है। समझ गए मेरी बात? हर शख्स मामूली हुआ, उसकी सोच उसको गैर मामूली बना देती है। प्रवास साहब ने भी जिक्र किया, UET में मैं एक सरकारी प्रोफेसर था, मैं भी टांगे स्ट्रेच करके सोचा रहता और 2 बजे छुट्टी कर जाता। 2.5 साल में 1500 स्टूडेंट के साथ 20-22 करोड़ कमा के मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग 4 साल में यूनिवर्सिटी के हवाले करके बाहर निकल गया। और कहीं भी मेरी तख्ती नहीं होगी। तख्तियाँ दिलों पर होती हैं, दीवारों पर नहीं होती, याद रखो। सो आपकी लाइफ मैनेजमेंट के बुनियाद होता है माइंड मैनेजमेंट से। माइंड मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। पहली कहानी ये हो गई, माइंड मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। द एनर्जी ऑफ माइंड इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आपकी जो जिंदगी में आप में माइंड की एनर्जी है, वो लुबे लबाब है आपकी जिंदगी का। उठान आप में, तहरीक आप में, जज्बा तजस्सुस आप में, आपकी कुव्वत मुतखय्यला में इजाफा, जो इकबाल को इकबालमंद बना देता है। शेख नूर मोहम्मद का इकबाल इकबालमंद कैसे बना? कुव्वत मुतखय्यला की एक खास ग्रोथ के साथ। और वो एक जब रिफतों पर मतमकिन हुई कुव्वत मुतखय्यला इकबाल की, तो इकबाल इकबालमंद हो गया। यही बात ही। तो आपकी माइंड की एनर्जी आपके जिंदगी का लुबे लबाब है। और आप सब में कैपेसिटी और पोटेंशियल है इकबाल को बन जाए। मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, कि उसकी याद में बहुत अश्क फिशानी। तो आपको तमन्ना है, मुझे भी तमन्ना है इकबाल ने इकबालमंद बनने की। इकबाल तो एक ही है, और इकबाल बहुत देर से आता है, आपको पता ही है। द ग्रेटेस्ट पॉइजन कुड बी योर ओन माइंड। अब अगर मेरा जहन छोटा है, उसमें मैंने जहर भर दिया, तो उसकी आउट, उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका इजहार भी जहरीली गुफ्तगू, जहरीली तकरीर और जहरीली सोच की सूरत में होगी। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एज यू सो, सो शैल यू रीप। तो जहनों में तखरीब के बजाय तामीर, और जहर के बजाय आप उसमें मिठास पैदा करें, ताकि सोसाइटी के अंधेरे कम हों, वरना अंधेरे कम नहीं होंगे। मुतमाइन और खुशगवार जिंदगी गुजारने वाले आम लोगों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते, मगर ख्यालात के इंतखाब में माहिर होते हैं। अपने जहन के दरवाजे बेकार और मनफी ख्यालात के लिए हमेशा बंद रखते हैं, कि ये भी काफर, ये भी मुशरिक, ये भी 2 नंबर, ये है मनफी ख्यालात, ये बेकार ख्यालात हैं, इनको जहन से निकाल के ऐसे फेंक दें। जब जहन खाली होगा, उसमें पॉजिटिविटी ऐड कर दें, और पॉजिटिविटी ऐड करके तरक्की के नए नए मीनारों को छूने लग जाएं। अब तरक्की क्या चीज़ है? माली वसाइल में रजानी का नाम तरक्की नहीं है, ज़हनी सुकून में एक इत्मीनान का और कल्बी वारदात के लिए आपको जो अल्लाह ताला सेटिस्फेक्शन देता है, उसका नाम तरक्की है। तरक्की के मटेरियल कॉन्सेप्ट पे ना जाएं, डिफेंस का प्लॉट, मर्सिडीज बेंज,
یہ سمنی اور عارضی چیزیں ہیں. کیا مرسڈیز بینز تھی ارسطو یا سقراط کے پاس؟ علامہ اقبال کے پاس ٹانگا بھی نہیں تھا، اس کے باپ کے پاس غالباً. جب اقبال بنا، اقبال مند ہوا، تو ذہنی ترقی معراج اس انوائرمنٹ سے ملتی ہے جس میں آپ آپریٹ کرتے ہیں، جس میں آپ رہتے ہیں. اچھے ادارے، اچھی یونیورسٹیاں ذہن کو نوک کر کے پروفیسر ہٹ جاتا ہے. گورنمنٹ کالج میں جب پڑھتا تھا میں، تو اردو کے ٹیچر، انگلش کے ٹیچر آتے تھے، نوک کر کے چلے جاتے تھے، اور ہم حیران رہ جاتے تھے یہ کیا باتیں کر گئے ہیں. جب میں امریکہ میں گیا تو امریکن پروفیسر تھیوری یا ٹیکنیکل چیزیں نہیں بات کرتے تھے، وہ مائنڈ کو نوک کرتے تھے نئے نئے آئیڈیاز. اور آئیڈیاز کا آئیڈیا سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. نگیٹیوٹی بھر جاتی ہے، منفی اور بیکار خیالات، قتل عام، حادثے، 14-18-20 بندے قتل کر دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ منفی اور بیکار خیالات کا لاجیکل آؤٹ کم ہے. آپ ان کو بند رکھیں اور اپنے کواڑوں کو مثبت سوچوں کے احیاء کے لیے کھول دیں، تو نئی نئی چیزیں جنم لینے لگ جاتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس مشکل چیزوں کے لیے ایک پازیٹو وہ ہوتا ہے سرمایہ. یہ جو لوگ ہوتے ہیں با امید لوگ، پازیٹیو لوگ ہمیشہ با امید ہوتے ہیں، اور با امید لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے. ویپن آف ماس کنسٹرکشن کا دوسرا نام ہے ذوق یقین. ذوق یقین جو ہے نا، آپ کی زندگی کو اٹھاتا ہے، ایسے لفٹ کرتا ہے لیور کی طرح. بڑی بڑی چٹانوں کو اٹھانے کے لیے ہم دیکھیں لیور سے اٹھاتے ہیں، تو آپ کے پاس لیور کون سا ہے ذوق یقین کا؟ پھر اقبال کہتا ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یہاں سے 4-6 کلومیٹر دور علامہ اقبال کا گھر ہوگا. میں آج شعروں کے ذریعے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے امید کو کیسے پھیلانے کی کوشش کی. اقبال ایک روایتی شاعر نہیں ہے، نہ ہی شاعر مشرق ہے خالی، وہ امید کا پیامبر ہے. ہی از امبیسڈر آف ہوپ. اور وہ آپ کو سبق دیتا ہے کہ آپ شاہین بچوں نے خاک بازی نہیں کرنی، اوپر اڑنا ہے. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر اور یاد آتا ہے، شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. آپ سب شاہین بچے ہیں. آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا زمین پہ بیٹھو، میری میسج یہ کہ اوپر دیکھو، سوچ بڑی منزل بڑی. اف یو تھنک بگ یو آر گوئنگ ٹو بی بگ، اف یو تھنک اسمال یو ول ریمین اسمال فار ایور، آئی کین اشور یو. تھنک بگ اینڈ بیکم گریٹ، تھنک بگ اینڈ بیکم گریٹ. اس کو پاسورڈ 2018 کا. تھرڈ ایئر مکینیکل میں یو ای ٹی میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کسی کتاب میں، شاید ریڈر ڈائجسٹ میں، ایک پاکستانی لڑکے کا تھا جو کہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا ایک دریا کے کنارے اور یونیورسٹی میں. وہ آرٹیکل میرے ذہن میں بیٹھ گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کرنی ہے. میں ایک پڑھاکو کو بھی تھا ہی نہیں، اور نہ ہی نیوٹن تھا، نہ ہی کوئی آئنسٹائن ٹائپ تھا. میں نے کبھی یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کیا، کبھی کالج میں بھی نہیں، کبھی میں نے میٹرک میں بھی اسکالرشپ نہیں لیا، ایف ایس سی میں بھی نہیں لیا. اب میں نے بڑی سوچ کر لی، امریکہ سے پی ایچ ڈی. لوگ ہنس رہے تھے میرے پہ، اسے دیوانے کا خواب یا مجذوب کی بڑھ کہتے تھے، پاگل ہو گیا. اچھا، میں نے ٹکرے مارنی شروع کر دی. 82 کے بعد 84 میں ڈگری میری ختم ہوئی، میں نے آرمی کو جوائن کر لیا، اور آرمی کے اندر رہ کے 3 سال بعد پی ایچ ڈی کا فلی فنڈڈ اسکالرشپ، اور آرمی سے چھٹی 4 سال کی جو ملتی نہیں ہے کسی کو ود پہ، میرے ہاتھ میں تھی. اور میں نیو یارک میں لینڈ کر رہا تھا 1988 میں، 6 سال بعد. میں نے سوچ بڑی کر لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر مائل اسٹون بنائے، ایکشن بنائے، پلان بنائے اور ایکشن بنائے. ٹکرے مارتا مارتا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی برکت، بڑی سوچ کے نتیجے میں.
تو خالی بڑی سوچ کافی نہیں، بڑے عمل، بڑے ایکشن اور بڑے پلان بھی کرنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کے لیے تیار ہیں تو یو کوڈ بی نیو اقبال، اقبال آف 2018 آف سیالکوٹ، ڈرما والا چونک. یہ مجھے سیالکوٹ کا ایک ہی لگ رہتا ہے، یہ نام ہے جس کا نام ہے ڈرما والا چونک. جب میں کلاس ون میں تھا وہ ڈرما والا چونک تھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام بدل لیا ہے علامہ اقبال چونک. کچھ نہ ہو تو علامہ اقبال یا کاظم یا جناب ٹھوک دو، یہ بھی فیشن ہے پاکستان میں، اچھا فیشن ہے، کیونکہ ہمارے اچھے لیڈر ہیں، ہم کی دل کی گہرائیوں سے ان کی قدر کرتے ہیں. اچھا، تو یور مائنڈ از اے پاورفل تھنگ، وین یو فل اٹ وتھ پازیٹو تھاٹس یور لائف ول بگن ٹو چینج. یہ موجہ میرے ساتھ ہوا. اچھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا 1982 میں کہ آپ کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے. مجھے دل کی آواز نے کہا کہ میں ٹکرے ماروں گا تو کچھ نہ مجھے مل جائے گا. جب میں نے آرمی جوائن کی میری تنخواہ 1800 تھی 1985 میں، جو 18,000 کے برابر ہوگی، آج 18,000 ہمارا کلرک لیتا ہے، اتنی کم تنخواہ تھی، 20 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی تھی میری. اور میں لاہور فلائنگ کوچ میں نہیں آتا تھا، فلائنگ کوچ کا اے سی کا بل اتنا میں پے نہیں کر سکتا تھا. میں ٹیوٹا ہائیس میں آتا تھا ایسے کبا ہو کے، کیونکہ آئی واز ناٹ گیٹنگ سفیشینٹ منی ٹو پے مائی بلس. اچھا، اس کے باوجود جب میں نے تہیا کر لیا تو 2 سے 3 کروڑ کا اسکالرشپ فلی فنڈڈ میرے ہاتھ میں تھا بغیر سفارش کے. ایسے میریکل ہوتے ہیں. پھر جب آپ اونچی اڑان کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو زمین کے کوے پھر آپ کو روک نہیں سکتے شاہین کو. جب آپ اونچی اڑان کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو زمینی کوے آپ کو روک نہیں سکتے. وہ چون چون ضرور کرتے ہیں، جیلسی سے دیکھتے ضرور ہیں، ایسے کینہ اور بغض لے کے، لیکن وہ آخر میں انہوں نے مردار ہی کھانا ہے. اور آپ نے جھپٹ کے پلٹ کے پلٹ کے جھپٹ کے اپنے کبوتر پہ جھپٹنا ہے اور خالص فریش فوڈ لینا کبوتر کے خون کا. یہ آپ کا کام ہے. سو واٹ کنزیومز یور مائنڈ، جو آپ کا ذہن کو استعمال کرتی، کنٹرول یور لائف. تو اپنے مائنڈ میں اگر آپ پازیٹیوٹی ڈالیں گے، شاہین صفت اپروچ ڈالیں گے اور رکابی دور رکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ اونچ اڑنا شروع کر دیں گے. کوے والی سوچ ہوگی تو آپ مردار کھانے لگ جائیں گے. بچہ کھچا مردار کیا ہوتا ہے کہ جی سفارش کر کے جی بیٹے کو تنخواہ لگوا دو، 20,000 روپے لگوا دو. یہ کوے والی اپروچ ہے سفارشوں کے ذریعے نوکریاں پکڑنا. شاہین والی اپروچ ہے کہ اپنے شاہین بناتا نہیں آشیانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین پر بناتا نہیں آشیانہ. پھر یہ ہوتا ہے، یہ اقبال کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرے. تو شاہین صفتی میں آپ کو بلند پروازی کی، تو میں بات بتا رہا ہوں، بلند پروازی یہاں پہ اعلیٰ سوچ اور بڑی سوچ کے میں سمبل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. بلند سوچ کا مطلب کیا، اونچی پڑوان کے شکاری، متلاشی اور بے چین روحیں، مسترب اور بےکل شخصیات، یہ فرق لے کے آتی ہیں سوسائٹی میں. مسترب اور بےکل جو شخصیات ہیں سوسائٹی میں پازیٹیو چینج لے کے آتی ہیں. اور کہتی ہیں ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، جلدی سے کچھ کر لو، جلدی سے کچھ کر لو، جلدی سے کچھ کر لو. بدھا بھی 5,000 سال پہلے کہا تھا کہ یو تھنک یو ہیو ٹائم، اور اس نے بھی یہی کہا تھا اسٹیو جابز نے، یو تھنک یو ہیو ٹائم. تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، سوچ کو ایسے بڑا کر لیں. اف یو کریکٹ یور مائنڈ دا ریسٹ آف یور لائف ول فال ان ٹو پلیس. اب جب آپ سین کو، یہ بھی چائنیز فلاسفر کی 5,000 سال پرانی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میرے 15-20 سال کی گفتگو کا نچوڑا ہے جو میں 50 منٹ میں دے رہا ہوں. اور جو لے گیا وہ مراد پا گیا، وہ اقبال ثانی بن گیا، اقبال مند ہو گیا، بلکہ اقبال بھی اس کے پیچھے بھاگے گا. یہ چوتھی جنریشن میں پاگل مجنو کون آ گیا جو مجھے فالو کر رہا ہے؟ اقبال کی روح بھی آپ کو فالو کرے گی چوتھی جنریشن میں. ایک پاگل اور مجنو سیالکوٹی میرے ساتھی، میری چوتھی جنریشن میں، اس میں کہاں سے اسپارک آ گیا، اس میں ڈائنامزم کہاں سے آیا ہے، اس میں تڑپ اور اس میں بے قراری کیوں آئی ہے؟ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری اے دل تجھے کبھی ایسی تو نہ تھی. یہ اونچی پڑوان والے شاہین نیچے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے اونچی اڑان جو کوے بند ہوتے ہیں نا، طوطے بند ہوتے ہیں پنجروں میں، وہ سمجھتے ہیں اونچی پرواز ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے. یہ پاگل ہیں جو اونچی اڑتے ہیں، آرام سے چوری کھایا کرے شیشے کے اندر بند ہو کے، تالے کے اندر بیٹھ کے. تو میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ تالوں کے اندر بیٹھ کے نوکریوں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اونچی پروان لیں. اور یہ نہ سوچیں میرا گھر ہے کہ نہیں، آپ کا گھر چٹان ہے، آپ کا گھر کوئی بھی اوپن سپیس ہے. مومن کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے. سو یور مائنڈ از اے ویپن، کیپ اٹ لوڈڈ.
आपका जहन एक वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे नए नए सोचों के मिसाइल बनाएं और उस मिसाइल के साथ चिमट के ऊपर पहुंचे। जरूरी नहीं कि मिसाइल को डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें, मिसाइल को आप ऊंची फजाओं में जाने के लिए एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाइल वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन जो मैंने कहा है, योर माइंड इज ए गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स। आपका जहन एक बाग है और आपकी सोचें उसमें बीज हैं। यू कैन ग्रो फ्लावर्स, आप उस उन बीजों को उनमें से फ्लावर्स भी निकाल सकते हैं। एंड यू कैन ग्रो वीड्स, आप उसमें से कांटे भी बना सकते हैं। ये काम आपका है, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बड़ी सोच रखेंगे बड़ी मंजिल मिलेगी, छोटी सोच रखेंगे छोटी मंजिल मिलेगी। खुशी और कामयाबी की राह में 80% रुकावटें गैर हकीकी हमारे जहन की पैदावार है। जहन पे आप छोटे छोटे जिन बना के अंदर उसके पालना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे जिन, ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ये हो गया तो। और ये माउंट एवरेस्ट हम खुद खड़ी कर लेते हैं। अगर लोगों की बड़ी तादाद नहीं जानती इस पहाड़ को कैसे सर किया जाए, आप जब माउंट एवरेस्ट के पास जाते हैं ना ऐसे कॉन्फिडेंस से, तो माउंट एवरेस्ट ऐसे फट जाता है बगैर खुल जा समसम किए। बगैर खुल जा समसम में कोड वर्ड है जिसपे 40 चोरों वाली कहानी सुनी हुई आपने। तो ऐसे खुल जाता है वो आपकी कुव्वत इरादी देके माउंट एवरेस्ट, रास्ता दे देता है आपको। इस तरह होता है फिर। ये उन लोगों के साथ होता है जिनके पास कुव्वत इरादी ज्यादा है, जिनके पास विल पावर ज्यादा है, जिनकी सोच बड़ी है। समुद्र का पूरा पानी किश्ती को नहीं डुबो सकता जब तक किश्ती में दाखिल ना हो जाए। इसी तरह पूरी दुनिया की बुराई आपको नुकसान नहीं दे सकती जब तक आपके जहन रूप असर न जमाए। तो नेगेटिविटी को अगर आपने दिया और फेलियर के डर से डर गए तो आप बुक हो गए। जो डर गया वो मर गया। जावेद और नीली की एक फिल्म थी, जावेद शेख और नीली की, जो डर गया वो मर गया। तो आपने कुव्वत इरादी को बढ़ाना है और सोचों को बड़ा रखना है। अभी मैं जफरवाल में सुबह एक इस तरह का लेक्चर दिया था, बच्चियाँ पूछ रही थी कि हमारे पास इतनी लिमिटेशंस हैं हम कैसे करेंगे। मैं कहा लिमिटेशंस के अंदर जब आप कुव्वत इरादी बढ़ाते हैं कुदरत खुद खुद बहाने बनाती है। फिर इकबाल कहता है खुद कुदरत खुद बहुत फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिना बनती। लाला होता है फूल, फूल पर जो सुर्खी आती है फूल की वजह से नहीं आती, नेचर ऐसे माहौल बना देती है कि उसमें फूल पर खूबसूरती आ जाती है। लाले की हना बंदी, लाले पर जो सुर्खी आती है वो नेचर खुद बुत बनाती है। आपको कंघी नहीं करनी पड़ती बालों के लिए, उसको भी नहीं करनी पड़ती, नेचर माहौल बनाती है ऐसे। जब आप कुव्वत इरादी के साथ, अज़्म समीम के साथ और ज़ौक़ यकीन के साथ जंजीरें काट देते हैं तो नेचर कहती है अल्लाह ताला की ज़ात पर जोर लगा रहे हैं, कुछ दे दो होर, कुछ होर दे दे देते ना उसका होर हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है होर। छोटे जिनों में हमेशा ख्वाहिश और बड़े जिनों में हमेशा मुकासित होते हैं। अब हम बड़े जहन की बात कर रहे हैं। ए हेल्दी माइंड डज नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों के मुताबिक मनफी नहीं सोचता। तो आपके पास रवायती मॉडल है दूसरों की बुराइयां करते रहें, हर एक को दो नंबर डिक्लेयर करते रहें और अपने आप को आला और फर्स्ट शख्सियत दे के मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स बना दें। एक ये रवायती मॉडल है जिसको हम सब यूथ में अप्लाई कर रहे हैं कि वो भी खराब है, वो भी खराब, मुझे जहर लगती है, मुझे जहर लगता है। या तो इसी रवायती मॉडल पे करें या फिर इससे निकल जाए। मकाम शौक से आसान गुजर गया इकबाल, मकाम इश्क में खोया गया वो फरजाना। तो आप शौक की मंजिलों के मुसाफर हैं, मैं आपको इश्क और जुनून की तरफ लेके जाने की बात कर रहा हूँ। आज इकबाल की शामत आ गई क्योंकि मैं शहर इकबाल में बैठा हूँ और इकबाल का शेदाई हूँ। वट एवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नरिश विद रेपिटेशन एंड इमोशंस वन डे बिकम द रियलिटी। इंसान के जहन में एक तत्व शऊर है जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं। आप उसमें एक ख्याल बड़ा ख्याल लेके जांगुजी कर ले, रिपीट करें ना हर रोज, और साथ इमोशंस का तड़का लगाते रहे। इमोशंस क्या होता है कि यस मैंने इसको लेना वरना मैं लुट जाऊंगा, लुट जाऊंगी तो क्या होगा, रांझा रांझा कर दे मैं आप ही रांझा हो जाता है। फिर ये हो जाता है वो अपने वजूद को खो देती है हीर। तो आपको अपने वजूद को खोना पड़ेगा किसी बड़े मकसद के लिए। मैं रांझा और हीर को सिंबल के तौर पे यूज कर रहा हूं, मैं सिंबॉलिकली ले रहा हूं, कोई जिस्मानी वसल के मजों के लिए नहीं ले रहा, उसको उस छोटे से तनाजुर में ना लेना। तो आप अपने साथ एक बड़ा मिशन बनाएं और उसको रिपीट करें हर रोज सुबह उठ के, ये उसका यादा करें, बतकरार करें, उसकी तकरार करें हर रोज, और वन डे यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, डेफिनेटली गेट इट, nobody could stop whatever human mind can conceive and you believe you will achieve whatever human mind can conceive. insaan ka zehn jo soch sakta hai
اور آپ کو اس پہ اعتقاد ہے کہ میں اس کو لے سکتا ہوں, آپ حاصل کر لیں گے. 65 کی جنگ ہوئی تھی یہاں پہ, میں کلاس 1 میں تھا. گورمن اسکول, ابھی ہے گورمن اسکول؟ اچھا بہت پرانا ہے. 65 میں میں 5 سال کا تھا. ایک دم بم گرا سیالکوٹ میں, اسکول میں چھٹی ہو گئی. ہمیں تو بم سے یہ خوشی تھی کہ اسکول میں جلدی چھٹی ہو گئی ہے اور گھر جا کے آج 11 بجے کے 10 بجے کھانا کھا لیں گے. اچھا, اور سیالکوٹ کے لوگوں نے کھڑے ہو گئے اور کوئی نہیں ڈرا, کوئی نہیں بھاگا. ہم بھی یہیں کھانا کھا رہے تھے, پاکستان آرمی کے سپاہی گزرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ, میں نے خود دیکھا, ان کے جوتے صاف کرتے تھے, ان کو چائے پلاتے تھے, اگر وہ چائے نہ پیے رونے لگ جاتے تھے. یہ میں نے خود دیکھا 5 سال کی عمر میں, یہ جذبہ جو تھا نا. اور اسی قوم نے, اسی سیالکوٹ کے شہریوں نے, باسیوں نے آرمی کے ساتھ مل کے سیالکوٹ 65 میں بھی بچایا, 71 میں بھی بچایا, اور پھر بچائیں گے, اٹھائیں گے انشاءاللہ. اٹھائیں گے کیسے؟ آپ کی صورت میں, آپ کے بڑے سوچوں کی صورت. دا آئیز آر یوز لیس وین دا مائنڈ از بلائنڈ, یہ بھی ملین ڈالر کی اسٹیٹمنٹ ہے. ہیلن کیلر ایک بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر ہے, اندھی گونگی اور بہری خاتون, کہتی ہے کہ اگر آپ کو آنکھیں مل گئیں تو اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور اگر آپ صاحب بصیرت ہو گئے تو 1000 گنا اچھے ہیں. صاحب بصیرت کیا ہے؟ کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں, جب تک مائنڈ سپورٹ نہیں کرتا آنکھوں کو نظر کچھ نہیں آتا. جب مائنڈ کھلتا ہے تو اندھی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اندھی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے ذہنوں کو کھول لیں, اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل نہ کریں. یہاں لوگ آ گئے ہیں, نوک کر رہے ہیں. میں نوک کرنے لاہور سے آیا ہوں, 1 گھنٹے کے لیے چلا جاؤں گا, اور آپ کہیں گے بڑا مانوس اجنبی تھا, مجھے تو حیران کر گیا ہو, غیرتوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا, کدھر گیا. اب تھاٹس اور مائنڈ میں ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں. میں کسی کچھ نہیں سکھا سکتا, انہیں سوچنے پر مادہ کر سکتا ہوں, انہیں صرف سوچنے پر. میں آدھے پونے گھنٹے میں آپ کو کیا سکھاؤں گا؟ آپ ہائی ٹیک لوگ ہیں, 20-25 سال کی ایج کا آپ کا گروپ ہے, میں تو نوک کر کے چلا جاؤں گا. میں سوچنے پہ مجبور ضرور کروں گا کہ بڑی سوچ بڑا نتیجہ, چھوٹی سوچ چھوٹا. میرے فادر جب 19ویں گریڈ میں سیالکوٹ سے ریٹائرڈ ہوئے سیشن جج, 19ویں 20ویں گریڈ میں, تو انہوں نے, میں 32 سال میں 19ویں گریڈ میں آ گیا, اسلام آباد میں نسٹ میں تھا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, پی ایچ ڈی کرتی ہوں, انہوں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں, تم جوانی میں 19ویں گریڈ میں آ گئے, 22ویں 21ویں گریڈ تک کام کرنا. میں نے 4 سال بعد استعفیٰ دیا. میں نے کہا میں اونچی پرواز کے لیے, میں یہ اپنی زنجیروں میں نہیں کر سکتا سرکاری ملازمت کی, میں آزاد کلندر, آزاد منش آدمی ہوں, اور میں اپنی دنیا خود پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا تم 4 بجے آؤ گھر میں, چائے پیا کرو, ٹینس کھیلو, اسکواش کھیلو, ٹی وی دیکھا کرو, رات 10 بجے تھک کے سو جاتے ہو. تو مستری پر بے چین روحیں جو بھی دنیا میں ہوں وہ روایتی ماڈل سے اجتناب کرتی ہیں, روایتی ماڈل سے اجتناب کرتی ہیں, سکون ترقی اور مالی خوشحالی کے وہ ماڈل جس پہ دنیا بڑی لیتی ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کے جتنے چینج ایجنٹ ہیں ان کے پاس بیسک لیونگ ہوتی تھی, بیسک لیونگ تھی, کسی کے پاس مربع نہیں تھے, کسی کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں, ڈیفینس کے 4-4 کرال کے گھر نہیں تھے. ہماری اصل سستی ہماری سوچ ہے, باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے. ہماری سوچ مثبت اور یقین سے پر امید ہونی چاہیے. اب یہ مولانا جلال الدین رومی کی اسٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑا فلاسفر ہے مسلم ایران کا, کہتا ہے کہ ہماری اصل ہستی ہماری سوچ ہے. اب ارسطو سقراط کی قبر بھی انہیں پتا, اس کی سوچ زندہ ہے آج بھی, اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے, بڑی سوچ. اب بدھا کیا کہتا ہے؟ وی آر واٹ وی تھنک, all that we arises with our thoughts we make the world. میں نے ابھی اللہ کے فضل سے 22 سال میں 3 بڑی یونیورسٹیاں اسلام آباد لاہور میں بنائی. میں نے کوئی امریکہ سے یونیورسٹیاں بنانے کا کورس نہیں کیا ہوتا, میری تھاٹس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کروں, اور تھاٹس میں نے بڑی رکھی. اب میں اپنی یونیورسٹی کا چارٹر کی کام کر رہا ہوں. چارٹر کا مطلب ہے اپنی لائسنس دینے کی, یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ. میرے پاس 20-50 کروڑ نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس 10-20 پی ایچ ڈی ہیں جو اچھی سی کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے پچھلے 2 مہینے میں میرے پاس 8 PhD آ گئے, بڑے ہائی ٹیک, 8 سے 10 جو اچھی سی کی ریکوائرمنٹ تھی. اور پچھلے 3 مہینے میں ایک 30 کنال زمین کے ساتھ 30 کمروں والا ایک بگ باس خود ہی چل کے آ گیا کہ آپ میرے ساتھ یہ میری زمین لے لیں اور یہ لے لیں. جب سوچ بڑے رکھتے ہیں تو معاوضے ہونے لگ جاتے ہیں. اب میں یونیورسٹی اچھی سی میں اپلائی کر رہا ہوں اپنا چارٹر, ٹھیک ہے, سال میں نہیں ملے گا تو 2 سال میں مل جائے گا, 2 سال میں نہیں تو 2.5 سال میں مل جائے گا, برا مل جائے گا.
جب آپ بڑی سوچ رکھتے ہیں تو قدرت پھر کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہو جاتا ہے, آپ کے ارادوں کی تکمیل میں نیچر بہانے بناتی ہے, معجزے کرنے لگ جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ معجزے نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, معجزے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو بلیو ہو. میرے ہیپنس ٹو دوز ہو بلیو, معجزے انہیں لگ جاتے ہیں. یہ جو بندہ زمین کے 30 کنال زمین میرے پاس لے کے آیا, وہ جو 60-70 crore کی تھی, وہ یو این کا ریٹائرڈ آفیشل ہے, کہتا 12 سال سے بیٹھا ہوا تھا, میں سوچ رہا تھا کس کو دوں, میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کو میں دے دیتا ہوں یونیورسٹی بنانے کے لیے. یہ سب معجزے لگ جاتے ہیں. اور میرا ایسٹ زیرو ہے, میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, میں قرضے ہیں آج, لیکن مجھے اعتماد ہے کہ میں بنا دوں گا. ترقی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, کمٹمنٹ, ول پاور, قوت ارادی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. بڑی سوچ کی ضرورت ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں, کہ ود آور تھاٹس وی میک دا ورلڈ, ناٹ ورلڈ بٹ یونیورس. مریخ پہ جا رہا نا آپ کا جہاز, اس کے بعد کہاں جائے گا؟ چاند پہ 69 میں چلے گئے تھے, اب بڑے بڑی کہکشاؤں میں جانے لگ جائیں گے. جب تک آپ 30-40-50 سال کی عمر میں ہوں گے تو یہاں پہ کرائے پہ جہاز ملیں گے کہ ہم فلانی گلیکسی میں سیر کر کے ایک ہفتے کے لیے آ رہے ہیں, جیسے مری کے ٹور نہیں ہوتے تھے. تو اب 30 سال بعد یہ ہوگا کہ آپ کا جسم ڈیکمپوز ہوگا, دوسری گلیکسی میں کمپوز ہوگا, اور آپ سیر کر کے ہفتے کے بعد پھر واپس آ جائیں گے. 50 سال بعد یہ ہوگا. آپ کو کسی میزائل کی کسی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیٹلائٹ کی. گلیکسی ون طرف گلیکسیز ہیں, آپ کہیں گے میں نے اس طرف کی گلیکسی میں جانا ہے, عربوں والی گلیکسی یہ نہیں, وہ تو بادشاہ, وہ تو اپنے بادشاہ ہیں نا. اصلی گلیکسی والی, دا ورلڈ از تھاٹس, امپروو یور تھاٹس, امپروو یور لائف. یعنی میں سمپل کرتا ہوں وہ سارا, آہستہ آہستہ اپنی سوچ بدلی بدل جائے گی. اور تخیل, سوچ کی انتہا کا نام تخیل, ادراک ناممکن ہے. آپ بڑھاتے جائیں, امیجنیشن اسٹرانگر دین نالج, امیجنیشن اسٹرانگر دین نالج. ایک اس کی اسٹیٹمنٹ ہے آئنسٹائن کی, پلیز خاموش رہیے میں ختم کر رہا ہوں جی. آئنسٹائن کی اسٹیٹمنٹ ہے, امیجنیشن اسٹرانگر دین نالج, نالج ہیز لمٹ, امیجنیشن ہیز نو لمٹ. امیجن بگ تھنگس اینڈ یو ول بی بگ, امیجن اسمال تھنگس یو ول ریمین اسمال. اور بڑے سوچنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کور کمانڈر کے بیٹے یا بیٹی ہوں, بڑی سوچ کے ضروری نہیں کہ آپ ڈی سی یا ایس پی کے گھر پیدا ہوں, یا حمزہ شہباز شریف یا بلاول سے آپ کی دوستی ہو, یا عمران خان کی جمیمہ ٹائپ آپ کی کلاس فیلو ہو. نہیں, بڑی سوچ کے لیے بڑا ذہن بنائیں اور اٹیک کرتے اس کو, چپا مار لیں. وہ ٹی وی میں ایڈ نہیں آتا, آ گیا چھا گیا ٹھا کر کے, دیکھا کبھی ایڈ؟ وہ ایڈ ہے, وہ اس کے بعد ہوتا ہے. غلط ہوتے ہیں ویسے ہی بن جاتا ہے. اگر شیطانی خیال ہے تو شیطان بن جائے گا, رحمانی تو فالوور بن جائے گا, پازیٹو خیالات ہیں تو پازیٹو بن جائے گا صوفیہ, اور اگر تخریبی خیالات ہیں تو زردہ ہو سکتا زرداری بن جائے. اسمائل کے ساتھ ایسے کرتا نا زرداری, یہ ساری ڈرامہ تشکیل زرداری کی ہے نا. ایک ٹکٹ بیچنے والا آج $9 billion کا مالک کیسے بن گیا؟ تعمیر سے نہیں بنا غالباً, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے, تخریب سے بنا ہے, تخریب سے بنا ہے. تو انسان کے جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسے ہی بنا ہے. اور خیال جاتا کر لیں کہ آپ ہر روز خود کو پہلے سے بہتر بنائیں گے, ہر روز سنو یا سیکھیں جو زندگی کوالٹی میں اضافہ کریں. اب یہ بیس کی بنیادی شرائط ہیں, اس کی قوت, اس کے بنیادی عوامل موٹیویشنل خاتون پیدا نہیں ہوئی. اچھا, میجورٹی موٹیویشنل خواتین یا مرد امریکہ کے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. میں امریکہ میں 8 سال رہا ہوں, واشنگٹن میں, میں نے دیکھا ہے وہ بچپن سے ڈے ون سے حوصلہ افزائی, پازیٹیوٹی, ہاں تم کر سکتے ہو, اور وہ ہر کمزور کو اٹھانے کا. میں نے پاکستان میں گلہرے کو کئی دفعہ کھانا کھانے کی کوشش کی, وہ بھی میں سے نہیں کھاتی.
मैं फेंक देता हूँ, जब मैं भूल जाऊँ तो तब खा ले। अमेरिका में था, मैं बुलाई के बाद खाना ले जाता था, तो बुद्धों के हाथ में बैठे खाने लगते थे, क्योंकि उनको बचपन से बताया गया कि आपने किसी को नुकसान नहीं देना, अपने रवैये को मजबूत रखना है, कमजोरों का ख्याल रखना, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो बुलाया में पिछले 3-4 सदी से ना आती होगी इंसानों के हाथ में बैठे कबूतर उतरे उतरे आते हैं और आपसे खाना मांगते हैं, आप खाना देते हैं तो वो ऐसे फेंकते हैं, वो उछल के आपके सामने आते फिर से खाने देते हैं। अब ये सोसाइटी की अप्रोच है ना, मैंने बचपन से देखा हूँ कि गली के बच्चे जो बिल्ली आती है उसको ही उठा के दे मारते हैं, वो बिल्ला सिर पड़वा के काउंटर पर के काग रहा है। अब ये हंसने की बात तो है, लेकिन अफसोस की बात ये कि क्या उन बेजबानों को हम केयर कर सकते हैं, क्या हम उनका ख्याल रख सकते हैं? ये मैं एक लम्हा फिक्रिया छोड़ के आने चाहता हूं। ये जनाब मैं स्टेटमेंट तुम्हारा पढ़ा रहा हूं रूम में ही, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तुम बैठे हो, इसको रजिस्टर कर ले, सुकरात की स्टेटमेंट रजिस्टर कर ले, द ओनली प्लेस वेयर योर ड्रीम्स बिकम पॉसिबल इज योर ओन थिंकिंग। जब आपकी थिंकिंग बड़ी होती है तो नामुमकिन हालात मुमकिन होने लग जाते हैं, जब सोच छोटी होती है तो हर मुमकिन काम भी मुश्किल लगने लगता है। आपने कुएं का मेंढक देखा, उसको अटलांटिक ओशन समझता है, और अटलांटिक ओशन की जो होती है ना ब्लू वेल, वो एक दिन में 500 मील सफर कर जाती है, उसके लिए अटलांटिक ओशन भी छोटा सा कुएं है। ये हस्ती का फ्रेम है, छोटी सोच हस्ती का फ्रेम है। गालिब क्या कहता है एक शेर में, इसका मैं तर्जमा करूंगा उर्दू और फारसी में, हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो। हस्ती के फ्रेम में मत आ जाइयो असद, हस्ती के फ्रेम में मत आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का ए दामे ख्याल है। कहता है हस्ती के फ्रेम में ना आना, दुनिया क्या है आपकी सोच, सोच छोटी है तो दुनिया छोटी है, सोच बड़ी है तो दुनिया बड़ी है। ये 150 साल पहले शेर मैंने आज खाली पर कोट कर रहा हूँ अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कि बड़ी सोच ना होने की वजह से मेरी तरक्की रुक जाती है। आपके बाप दोस्त भाई बेटा बेटी हस्बैंड वाइफ के पैसे के पास पैसे कम या ज़्यादा होने से तरक्की नहीं रुकती है, तरक्की रुकती है छोटी सोच की वजह से। मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़े से तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रिंगो, पर आगे बढ़ते रहो, अपनी सोच उसी में कुछ रखें कामयाबियाँ बढ़ते रहें। अब ये मुस्तनसर हुसैन तारा लाहौर का एक बहुत बड़ा राइटर है, टीवी का ड्रामाटिस्ट भी है, ड्रामा राइटर भी है, मुस्तनसर हुसैन तारा है, उसकी स्टेटमेंट मैं यूथ के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये। हर नसल का हक है कि अपनी सोच बुजुर्गों से मख्फी, मख्फी तो छिपा के रखें, बुजुर्गों की सोच की ताब नहीं ला सकते, इसका इजराब नहीं रखते और नहीं रख सकते, उनकी मट्टी मुख्तलिफ होती है, हर 30 साल बाद इंसान की मट्टी बदल जाती है, उसकी इंटरनल केमिस्ट्रीज का पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, हर 25-30 साल बाद। जो 30 साल बाद अगली जनरेशन होती है वो फेसबुक में जन्म लेती है। मैंने 1967 में लाहौर में फर्स्ट टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा था सर्विसेज हॉस्पिटल, मैंने कहा इतनी बड़ी स्क्रीन में जो फिल्में देखते थे इतना छोटा कैसे हो गया बंदा, ये बोल रहा है बाहर आ जाएगा। 67 में मेरे ख्याल में मेरे जहन में पहला ख्याल आया 7-6 साल की उम्र, अब मेरा बेटा बेटी पैदा होते ही फेसबुक पे चैट कर रहे होते हैं और उनके अपने अपने अकाउंट्स हैं और वो वाइबर और साइबर और क्या होता है मुख्य चीज़ों पे दुनिया जहाँ से बात कर रहे होते हैं। अब ये 30-35 साल में पूरी नई केमिस्ट्री चेंज हो गई है सिविलाइजेशन की, तो उनका दराब नहीं रख सकते, उनकी मट्टी मुख्तलिफ होती है, किसी और भट्टी के पक्के होते हैं, हर नसल अपनी भट्टी में अपनी आग तजुर्बों में पकती है और अपने तजुर्बों में अपने नतज को अगले आइंदा नसल पर लागू नहीं कर सकते। मेरे फादर जो सियालकोट में पैदा हुए उन्होंने मुझे कहा कि इस्लाम में मौसीकी हराम है, तुमने कुछ नहीं सीखना, उन्होंने मुझे डिस्करेज किया। मेरा बेटे ने क्लास 7 में गिटार खरीदा, मैं इस्लामाबाद 12,000 का, और गिटार की क्लासेस देना लग गया, वो अमेरिकन सिटीजन था, अमेरिका में पैदा हुआ। अब वो अमेरिका गया तो उसके पास कोई जॉब नहीं थी, वो $20 पर आवर पे उसने म्यूजिक क्लासेस शुरू करवा दिया और अपना क्लासों के पैसे निकालने लगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे तजर्बे मेरे बाप के तजर्बे मेरे बेटे पे अप्लाई नहीं हो सकते, अगर मैं रोकता उसको तो वो अमेरिका में शायद पढ़ाई भी ना कर पाते, वो बर्तन ही मांज रहा होता उसे $20 पर आवर पर उसको जो जॉब मिल गई टीचिंग की, और टीचिंग जाती गिटार। अगर मैं रवायती सोच के अलग से देखता कि मेरे बाप ने म्यूजिक हराम क्या दिया, अब तो ये है तो वो है, तो मैंने इश्तिहार के दरवाजे खोले हुए। अभी मैं कल मैं कराची में था तो PIA के टर्मिनल पे नमाज पढ़ते हुए नमाजी को मैंने देखा, सबने प्लास्टिक की टोपियां पहनी हुई हैं, पहले होती थी हाथ की बनी हुई,
थिंकिंग ही होती सर। मैं कहा ये अमेंडमेंट आ गई है चाइना की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से, प्लास्टिक की टोपियाँ आ गई हैं। पहले तस्वीर होती थी लकड़ी के दानों की या मिट्टी की, वो भी प्लास्टिक की आ गई। तो मैंने सोचा कि अगर हर चीज़ में इश्तेहाद हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उस ज़माने का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो दफ था वो वक्त के साथ वो भी तो इम्प्रूव हो गया। गिटार की शक्ल ले सकता, ले सकता क्या नहीं? खाना काबा को पहले सूरज से लोग ढूंढते थे, अब ऐसे सदे का आ गया जिस पर खाना काबा की डायरेक्शन आ जाती है। तो ये वक्त के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। वो अपने तजर्बे, अब मैं अपनी पुरानी सोच को अपने बेटे पर अप्लाई नहीं कर सकता, एंड सब पर लागू नहीं कर सकती। इसी को इर्तका है, ये है इर्तका, नहीं है फिक्री इर्तका। अब फिक्री इर्तका के मरहले शौक से गुजर रहे हैं, अब एक ट्रांजिशन में टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या जनाब, कुछ नहीं छेड़ना। मुजफ्फरबाद में लड़कियों ने मुझे बताया कि हमारे माँ बाप हमें फेसबुक नहीं देखने देते, हमें पॉप अकाउंट बनाना मन है। अभी 10 साल तक रोकेंगे, 10 साल के बाद फेसबुक खत्म हो जाएगी, उसका एक नया वर्जन आ जाएगा, उसका नाम है फेसबुक। उस पर मरीख के बशिंदे भी आपसे बातें कर रहे हैं, होगा ऐसे? अभी तो मरीख पर बाती नजर नहीं ना आई, 10-20 साल बाद अगली कहकशां के जो नुमाइंदे हैं ना, वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे होंगे। और ट्रेड पाकिस्तान इंडिया चाइना में नहीं हो रही होगी, ट्रेड हो रही है इस कहकशां से उस कहकशां में। और आप पार्टिकल जहाजों में भर के नहीं बिखरे होंगे, आप उनको डीकम्पोज करेंगे, वहां रिकम्पोज कर देंगे 50 साल। शुरू हो चुके हैं इस पर एक्सपेरिमेंट। तो आप हर 10 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और हर 20-30 साल बाद मट्टी का खमीर चेंज हो रहा है, जिससे ह्यूमन बींग बनते हैं। आपके मसाइल में दूध है, इसमें किस्मत का हाथ है, लेकिन आपकी सोच में दूध है, इसकी जिम्मेदार आप होते हैं। और छोटी सोच और पौव में मुंह से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अंधेरे की सबसे भयानक मनफी सोच है जो उम्मीद का चिराग है, मायूसी कुफर है। इस्लामी किताबों में जगह जगह मिलता है मायूसी कुफर। मायूसी का ऑपोजिट क्या है? उम्मीद। उम्मीद पर कुफर नहीं, उम्मीद नहीं मान। जब आप उम्मीद पे लाते हैं, आप ईमान के मुबल्ले बन जाते हैं, मुबल्ले जो इस्लाम बनते हैं उम्मीदें फैला के। अच्छा सोचिए, अच्छा बन अपना और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजबानी दो ऐसे हैं जो इंसान के हर कमाल को जुबान होती है। आई चेंज माई थिंकिंग, आई चेंज माई लाइफ, टोनी रॉबिन्स की स्टेटमेंट है। तो टोनी रॉबिन्स जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका का, मैंने उसको ना कब सुना है ना उसकी किताब पढ़ी, कुछ मैंने कोर्स उसकी लिया है। और आप मोटिवेशन को पढ़ें, इन चीज़ों को पढ़ें, सोच पे पढ़ें, और सोचों को नए फक पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो नई कहकशां आपकी मंजिल होगी। अगर आप कहकशां में के पहुंचने की कोशिश करते हैं गैलेक्सी में, तो अगर आप गिर भी जाएंगे किसी सितारे पे गिरेंगे, फिर भी तरक्की और खुशहाली आपके पास होगी। द मोर रेडिकल यू कैन चेंज योर थिंकिंग, द मोर रेडिकल यू कैन चेंज योर लाइफ। आपकी सोच आपको लीडर बनाती है, लीडर कभी अपनी फैक्ट्रियां बनाने नहीं आता, कौमें बनाने आता है। किसकी स्टेटमेंट हो सकती है? आपको पता चल गया तो बच्चे ऊपर आएगा, तबादला हो जाएगा बंदा। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर क्या सोचता है। कभी इसको किसी को इस बात की भिनक ना होने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। सोच एक बड़ी प्राइवेट चीज है आपकी, सोच के भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। आउट ऑफ लिंक तो अगला पकड़ कब्जा करके ले जाता है मार्केट में, फर्स्ट इनिशिएटिव ले लेता है, फर्स्ट मूवर जो इनिशिएटिव होता है। थिंकिंग एंड ट्रैक्टर, अब क्या जनाब इमाम गजाली का गलत स्टेटमेंट, अपने ख्यालात की हिफाजत करो क्योंकि तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि तुम्हारे माल बन जाते हैं। अपने माल की हिफाजत करो क्योंकि तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। सबसे बढ़कर अपने किरदार की हिफाजत करो कि तुम्हारी शार शनाख्त तुम्हारा दीन। आजाद और मुस्बत सोच के जो मुसाफिर होते हैं ना, जो ऊंची परवान करते हैं, जो शाहीन सिर्फ इंसान होते हैं ना, जो ऊंची परवाज के शौकीन है, वो कभी रवैयों को खराब नहीं होता कि मेरा मूड ऑफ है आज, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। कहता नहीं, दिल दूर कोई चीज नहीं है, कमिटमेंट डिलीवरी टाइम निश्चा। यू थिंक यू हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम। इस गलत फैमिली में रहना कि आपके पास बड़ा टाइम है, अभी आप महसूस में अभी टीनेजर हैं, अभी तो मसे भी नहीं भीगी। इस गलत फैमिली में ना रहना, रवैयों के गुलाम ना भरना। दूसरों की बातें सुनकर कुड़ने वाले लोग कमजोर होते हैं, वो बहुत जल्द थक जाते हैं। तो ऊंची उड़ान के मुसाफिर हुआ जिनकी सोच बड़ी है। योर थॉट्स बिल्ड योर लाइफ, सोच बदले और शुक्र करें। रब्बा सोचा रोशन हो बने।
ऐसा दीवा बात है। रोशन का मतलब है बड़ी 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 थिंक बिग एंड यू बिकम ग्रेट। मैंने ग्रेटनेस का क्या क्विक फॉर्मूला दे दिया आपको 45 मिनट्स में, और एक दफा तुम सोच के जनाब मैं दुरुस्त बाकी सब बनाऊंगा। ये आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहां से शुरू होती है, आपकी जात की तोड़ फोड़ शिकस्त और ऐसी यहां से शुरू होती है कि मैं दुरुस्त बाकी सब गलत। ऐसा भी होता है कि वो भी सही है आप भी सही है, मुतमा नजर का फर्क है, आप 6 देख रहे हैं वो 9 देख रहे हैं, वो दूसरे 9 नजर आ रहा है आपको 6 नजर आ रहा है, पर्सपेक्टिव का फर्क है ना। तो पर्सपेक्टिव का फर्क में जिंदा रहने का हक दे हर एक को। बड़े सोचों के मुसाफिर जो है ना उनके पास एक क्वालिटी और है कि वो राइट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस देते हैं, जिंदा रहने का हक देते हैं, थकी का हक देते हैं, पढ़ने का हम देखते हैं। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड। वो किसी की गिरा के उसकी लाश पे अपना कद ऊंचा नहीं करते जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स हैं कि मजहब भी है और गिरा के मजा भी देने किसी को। तो मजहब हमें ये चीजें नहीं सिखाते, रवादारदारी और पीस को जिससे सिखाता है हमारा मजहब। व्हाट वी थिंक वी बिकम, ये बुद्धा की स्टेटमेंट है जिसके पास मेरी आज की गुफ्तगू रिवॉल्व कर रही थी। व्हाट वी थिंक वी बिकम, ये स्लाइड्स मेरे टीम आपको दे देगी अगर आपको चाहिए होंगे, और आपकी सोच ही आपका मुस्तकबिल है। छोटी सोच में मोचा बांटने नहीं देती, आप सोचों के बदले से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। आप सोचों को बदलना शुरू करते हैं तो नया दिन स्टार्ट हो गया। तो आज नया दिन आपके लिए है, आपने फैसला कर लिया कि सोचों को बदलेंगे, उनको आसमान की रिफतों पे मुतमक्किल करेंगे, ये सोच लिया आपने, इसका फैसला करें। फैसला ना करें फिर प्लान भी करें, प्लान ना करें खाली एक्शन भी लें, और खाली एक्शन के लिए पैसे नहीं चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, टाइम की सेक्रीफाइस, लेयर की प्लेयर की सेक्रीफाइस। जनाब हम खत्म करते हैं, आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चन, आप इसको ऑन करें जनाब, इसको ठीक करते हैं, आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चन। मैंने आज सोचों पर बात की है, सोच को बुलंद परवाजी। मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है, इकबाल बाल सियालकोटी ईरानी उसको इकबाल लाहौरी कहते हैं, सियालकोट। इकबाल ने एक शेर में कहा है, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, जाग होता कौवा, कहता है कौवे को ऊंचा उड़ना नहीं आया। हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, कौवे के बच्चों को अगर शाहीन के बच्चों के साथ पैदा करके उसको रख दे तो वो ऊंचा उड़ नहीं सकता। खराब कर गई शाहीन बच्चे को सोबते जाग, और शाहीन के बच्चे को अगर कौवे के बच्चों को साथ रख दो ऊंचा उड़ना भूल जाता है। अगर आप रवायती सोसाइटी में रहकर ऊंचा उड़ना भूल गए हैं और बड़ी सोच पे बिलीव नहीं करते तो आज के बाद बड़ी सोच पे बिलीव करना चाहिए। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क क्या, थिंक बिग एंड बिकम ग्रेट, नॉट बिग बट ग्रेट। इस पे मैं खत्म करता हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और मुझे एक शेर याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का कि तू राह नवर्दे शौक है मंजिल न कर, तू राह नवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशीन हो तो महमिल न कर कबूल। महमिल क्या होता है, जो ऊंट के ऊपर बना होता है ना छोटा सा कैबिन सा, उसका नाम महमिल। तू राह नवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशीन हो तो महमिल न कर कबूल। आपके साथ लैला जैसी खूबसूरत खातून है उसके साथ भी ना बैठे, कोई शौक की मंजिल के मुसाफिर बैठते नहीं, वो चलते रहते हैं। बातिल दुई पसंद है अकला शरीक है, बातिल दुई पसंद है अकला शरीक है, शिरकत म्याना हक को बातिल ना कर कर दूंगी। आप ये हक के साथ है, बातिल के साथ में इन बिटवीन नहीं है कि एक कुश्ती पे वहां पर मुस्लिम लीग उन पे कदम रखा हुआ, एक पीटीआई रखा है, जो आएगा उधर चिपक नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। मौलाना फजल रहमान शाबाश, ये सही डिपिक्शन किया है आपको। आप शौक की मंजिल के मुसाफिर हैं, आपने मंजिलें कबूल नहीं करना, ये याद रखिएगा। शौक की मंजिल के मुसाफिर छोटी छोटी चीजों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, छोटे छोटे लॉसेस को लॉसेस नहीं समझते, जिंदगी की रूटीन समझते। हाँ जी, कोई क्वेश्चन फ्रॉम द हाउस? क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, सरदर्द सरदर्द सरदर्द। हाँ जी मोहतरमा, क्या खोया क्या पाया? कुछ नहीं पाया, कुछ समझ आई है? बहुत तेज जा रहा था, तेज हजम हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी का है? जी, आप ये कहते हैं कि
हमारी सोचें ज़्यादा तसीम होनी चाहिए और इसके लिए हमारे साथ स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना उन सोचों को अचीव करने। अच्छा स्ट्रेंथ, ये असल में साउथ एशियन कल्चर में हम रिसोर्स या स्ट्रेंथ का बहाना लगा के सोचों को जमीन पे तक महदूद रखते हैं, सोचों को जमीन तक महदूद करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ और रिसोर्स नहीं है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इकबाल का कि फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी। अल्लाह ताला ऐसा माहौल बना देता है। जब मैं अमेरिका से वापस आया, मैं आज से 4 साल पहले अमेरिका में पढ़ाने गया था और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में चला गया, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, फिर मेरा इंटरव्यू भी हो गया, मैं वहाँ सेटल हो रहा था। 14 अगस्त को मैं एयरवे प्रोग्राम देख रहा था कैलगरी में, आज से 4 साल पहले मैं कैनेडियन सिटीजनशिप थी और मैं सेटल हो रहा, तो मुझे ख्याल है मुझे वापस जाना चाहिए, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी पाकिस्तान। और आज 4 साल के बाद मेरे पास पैसे तक नहीं थे। जब मैंने लैंड किया ना, इतनी तो तनख्वाह मिली मुझे अमेरिका में पढ़ाने गया था एक सेमेस्टर के लिए, कि मैं आया बड़ी मुश्किल से, मैंने 2-3 महीने सर्वाइव किया और आज मैं यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ना प्रोफेसर थे। तो कारवां खुद बहुत बनता है, जो इश्क के जो शौक की मंजिल होते हैं ना, उनको रिसोर्स जमा करने नहीं पड़ते, वो परवाने खुद पर खींचते हैं उसकी शमा की लौ के तरह। लाहौर की, इस्लामाबाद की क्रीम प्रोफेसर की मेरे पास खुद ही आ गई है, कहते हैं आप बस पैसे कम है बाद में दे देना, नहीं होंगे तो हम वैसे ही आ रहे हैं, हमें मजा आता है, स्वाद आता है आपके साथ। तो फिर इस तरह परवाने इकट्ठे हो जाते हैं और परवाने को जलने में मजा आता है, याद रखना, परवाने को जलने में मजा आता है। जी किसी का और सवाल? यहाँ पे थैंक यू वेरी मच जी, मैं एक नारे से खत्म करता हूँ हमेशा। नारा क्या हो सकता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू जी।